वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के वन लाइनर फैक्ट्स। इस पूरी वीडियो में 200 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये रहेगा वीडियो पार्ट नंबर टू। ऑलरेडी हम पार्ट नंबर वन रिलीज कर चुके हैं और जिसमें कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बेसिस पर हम पार्ट नंबर टू लेकर आए हैं। ओके, जिन लोगों ने भी हमें टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अपडेट्स हैं हम टेलीग्राम में देते रहते हैं। लिंक जो कि है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको लिंक दे देंगे और पिंड कमेंट में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्लांट्स हैव व्हाइल एनिमल्स लैक इट, पौधों में है जबकि जानवरों में इसकी कमी है, वो है सेलुलोज। दूसरा क्वेश्चन, कॉर्ड इज ए वेराइटी ऑफ, चार देखिए इस पूरे जो 200 क्वेश्चन है ये ऐसे वन लाइनर फैक्ट लिए गए हैं जो कि प्रीवियस में कोई भी RRB, रेलवे, NTPC, SSC, CGL, CHSL सभी में ये पूछे गए हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन को उठाइए, किसी भी वन लाइनर फैक्ट को ऐसा लिखिए, कॉर्ड इज ए वैरायटी ऑफ, आपको हर प्रीवियस क्वेश्चन एक या दो आपको ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि फिश में है, एलिफेंट में है, ठीक है, किसकी वैरायटी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर किसी एग्जाम को करेक्ट करना है तो वन लाइनर फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कॉर्ड एक वैरायटी है किसकी, मछली की। द एलिमेंट्री कैनाल इज यूजली लॉन्गर इन हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में सबसे लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आप सबको पता ही है, पूरा न्यूट्रिशन से लेके एक्सक्रीशन तक वो एलिमेंट्री कैनाल ही पूरा पाथ फॉलो करती है। उसके बाद दिन के समय जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऑप्शंस में आती हैं चार, उसमें हमें कंफ्यूज कर देती हैं। देखिए बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र कह रहे थे कि पिछली बार जो गूगल ट्रांसलेशन था उतना अच्छा नहीं है, बट इस बार आपके लिए जो हिंदी है बहुत अच्छी कर दी गई है, तो आप जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए विशेष पहल हम कह सकते हैं इसे। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जाएगा बट डाल दिया फिर भी। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहते हैं, ये याद रखना। अभी डायरेक्ट भी ये भी पूछा जाता है कि इनमें से ब्लड कैंसर किसे कहा जाता है या ल्यूकेमिया है क्या। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ, जब WBC, देखिए WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं बढ़ जाती हैं, तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। एबनॉर्मल इंक्रीज इन, एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाना वाइट ब्लड सेल्स का जो है ब्लड कैंसर करवा सकता है। द डायफ्राम, डायफ्राम किस में असिस्ट करता है, श्वसन में सहायता करता है। डायफ्राम असिस्ट इन रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत बार हम क्या करते हैं, देखिए किसी अगर 70 किलो का या 60 किलो का, देखिए सपोज मान के चलिए किसी आदमी, जनरली मोस्टली जो एवरेज होता है 70 किलो होता है, जो एवरेज होता है किसी भी मेल का, अगर मेल एवरेज माने तो उसमें 40 से 42 जो लीटर होता है वो पानी होता है। बट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर किसी आदमी का 96 किलो वजन है तो अप्रॉक्सीमेटली उसके शरीर में कितना लीटर पानी होगा। तो आंसर याद रखना, इसको रट लो, 66.5 लीटर। अब ये चीज़ आप गूगल में सर्च करोगे ना यही चीज़, तो आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा कि 2-3 क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि एक 96 किलो का आदमी है तो उसमें लीटर्स ऑफ वाटर होगा 66.5 लीटर, ओके। उसके बाद ए पर्सन हैविंग विच अमंग द गिवन ब्लड ग्रुप्स कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप, तो वो हो जाएगा AB, क्योंकि ये क्या है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। आज की जो लाइव क्लास थी बायोलॉजी की, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था। हम लाइव क्लास 8 बजे करते हैं डेली, ओके, तो आप जुड़ सकते हैं। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखिए अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी में इंजरी होती है ना, तो उस समय क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट होना पड़ता है, बॉडी जो क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ब्लड का लॉस होगा तो आदमी की डेड भी हो सकती है। तो उसमें हमारे जो प्लेटिलेट्स होते हैं, आप सबको पता होगा जो प्लेटिलेट्स होते हैं ब्लड में, तो वो इंजरी जहाँ पर भी चोट लगी होती है वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग कर देते हैं, यानी कि खून का थक्का जमा देते हैं। बट क्या होता है जब हमारी कोई इंजरी नहीं होती है, बट उस टाइम में तो कहीं पर ब्लड नहीं जमना चाहिए या खून की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए,
तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? हेपरिन। कौन? हेपरिन। ये एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है। एंटी कोगुलेटिंग मतलब खून का हमारी बॉडी में जहाँ चोट नहीं भी आई है अच्छे से खून का फ्लो हो, कहीं जमना नहीं चाहिए खून, ऐसा कौन इंश्योर करता है? हेपरिन। ठीक है, ये याद रखना, आज के बायोलॉजी की क्लास में भी ये डिस्कस किया था। ओके, ब्लड हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड भी होता है। इसकी सबसे ज़्यादा हाई एफिनिटी किसके लिए होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जैसे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं। ठीक है, अगर बायोमास का पूरी अच्छे से कंबस्टाइल नहीं हुआ है, पूरी अच्छे से जला नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हीमोग्लोबिन में एफिनिटी होती है तो वो CO की होती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत जल्दी घुल जाता है वो हमारे खून में। डक्टलेस ग्लैंड इनमें से कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंड डक्टलेस ग्लैंड कौन सी, किसको माना जाता है? अंतस्रावी ग्रंथियों को। अंतस्रावी ग्रंथियों को, देखो इस बार हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाएगी अच्छी ट्रांसलेशन। ह्यूमन यूरिन एज कम्पेयर टू ह्यूमन ब्लड इज़, देखिए ह्यूमन ब्लड के कंपेयर में जो मानव मूत्र है वो ज़्यादा हाइपरटॉनिक होता है। देखिए ह्यूमन यूरिन का मतलब जनरली देखो, अगर ह्यूमन यूरिन की बात करें तो वो ब्लड से कुछ बहुत गुना जो है हाइपरटॉनिक होता है। हाइपरटॉनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जनरली जिसमें सॉल्यूट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू सॉल्वेंट, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ह्यूमन के यूरिन में होते हैं, मानव मूत्र में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइन्यूट सर्कुलर डिस्क, छोटी छोटी सर्कुलर डिस्क, गोल डिस्क फ्लोटिंग इन द ब्लड, जो खून में हमारे ब्लड में ऐसे आपने देखा होगा ये ऐसे तैरती हैं। विच कैरी, जो कि ऑक्सीजन लाती है टू द टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम देम, ऐसी सेल्स को क्या कहते हैं? ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि RBC आप कह सकते हो। ठीक है, रक्त में तैरने वाली गोल्ड डिस्क जो ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उनसे दूर होती है, तो उसे लाल रक्त कणिकाएँ कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद मेल एनाफिलीज मॉस्किटो, हमें मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनाफिलीज से होता है। जो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो फ्लावर के नेक्टार में जो होती है वो फीड करती है, अपना खाना भोजन बनाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल, देखिए जो कोई भी सामान्य वयस्क मानव होगा तो उसमें 100 ग्राम जो उसका ब्लड होगा उसमें 14 जो ग्राम होगी वो हीमोग्लोबिन होगी। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर लाल भी होता है। ठीक है, आवर स्किन बिकम्स डार्क, अब हमारी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सेस सनलाइट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ आवर स्किन पिगमेंट कॉल्ड, देखिए जब भी हम धूप में रहते हैं तो हमारी कलर डल पड़ जाता है या डार्क हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में कौन सा जो पिगमेंट होता है? मेलानिन। ये याद रखना, मेलानिन जो हमारी स्किन में त्वचा में जो होता है पिगमेंट होता है। ठीक है, इसकी वजह से डार्क पड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है पीपल हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड हैव रोजी चीक्स, जो अब सबसे ऊंचे एल्टीट्यूड में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनके जो चीक्स गाल होते हैं बहुत ज़्यादा लाल रहते हैं, गुलाबी गाल होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि रेड सेल कंसंट्रेशन इज कंसिडरेबली अबव एवरेज इन रिस्पॉन्स टू लोअर ऑक्सीजन प्रेशर, तो जो रेड सेल्स कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर बात करें ऑक्सीजन प्रेशर उसके तौर पर कि लो एल्टीट्यूड के बेसिस पर। ठीक है, लाल कोशिका सांद्रता कम ऑक्सीजन दबाव के जवाब में औसत से अधिक होती है। ठीक है, तो रेड सेल कंसंट्रेशन हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा होता है, इसका रीज़न ये है। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन ए नॉर्मल मैन इज़, किसी नॉर्मल मैन में एवरेज की बात की गई है यहाँ पर, एवरेज हार्ट बीट होती है 70, और ज़्यादा हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट के बारे में आता है वीमेंस की ज़्यादा होती है या मैन की, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, वीमेंस की होती है या मैन की? द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन मैन आर 206, ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको डाल दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर एडिशन हो चुका था। लॉन्ग बोन्स फंक्शन इन, अब जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं या लंबी हड्डियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है सपोर्ट एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट सिंथेसिस में। ओके, सहायता एरिथ्रोसाइट
और ल्यूकोसाइट्स संश्लेषण में, लॉन्ग बोन्स का सपोर्ट में, और एथेरोइड्स का मतलब होता है आरबीसी, और ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिला। उसके बाद सम वायरसेस हैव आरएनए बट नो डीएनए, कुछ ऐसे वायरस हैं जिनमें आरएनए तो होता है लेकिन कोई डीएनए नहीं होता। दिस वुड इंडिकेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वायरस हैव नो हेरिटेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि इन विषाणुओं के पास कोई हेरिटेज जानकारी नहीं है। तो डीएनए क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, या एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन तक होती है तो वो इन्फॉर्मेशन ले जाता है, तो इसका मतलब उन वायरस के पास कोई हेरिटेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। शॉर्टेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज द स्टेप्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स होती है, बहुत बार पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाई, जो नाइट्रोजन है इकोसिस्टम में वो सर्कुलेट करती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन किसके द्वारा प्रचलित होता है, परिचालित होता है, तो वो होता है बैक्टीरिया के, पूरा सर्कुलेट होता है बॉडी में, तो वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया के कारण। आपने साइनोबैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में सुना होगा, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, तो उसी के पीछे सेम कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन नंबर 24 में भी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन, इनमें से कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, वो है ट्रिप्सिन। आगे, इन ह्यूमन टीथ द टाइप ऑफ हेल्प इन कटिंग आर, ठीक है, जो ह्यूमन के दांत होते हैं जो कि किसी चीज़ को काटने के काम आते हैं उसे इंसाइजर कहते हैं, इंसीजर कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम फॉस्फेट, आप सबको पता ही है जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ज़्यादातर टीथ होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से ही बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ हैं और जो बोन्स हैं इस वजह से इतनी ज़्यादा हार्ड होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, ए फीचर ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज़ फाउंड ओनली इन द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, आप सबको बताया, मतलब जिनमें फूल लगते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन का फीचर है जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है वो क्या है, बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग वाइल अनदर कॉम्बाइंस विद द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, उनका सबसे एक और एकमात्र एंजियोस्पर्म का फीचर रहता है वो सिर्फ फूल वाले पौधों में पाया जाता है कि एक स्पर्म तो फर्टिलाइज करता है एग के साथ और दूसरा जो होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ कॉम्बाइन होता है। जनरली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एग के साथ ही तो फर्टिलाइज होते हैं, बट यहाँ पर एक स्पर्म फर्टिलाइज होता है एग के साथ, दूसरा जो कॉम्बाइन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ओके, नेक्स्ट है, क्रोमोसोम्स आर, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक बॉडीज दैट अकर इन द न्यूक्लियाई एंड कैरी द जेनेटिक कोड, अब क्रोमोसोम ही जेनेटिक कोड ले जाते हैं, आप सबको पता है क्रोमोसोम हमें तब मिलते हैं या तब देखने को मिलते हैं जब सेल डिवीज़न हो रहा हो। अब क्या होते हैं, जब सेल डिवीज़न के टाइम में जो क्रोमेटिन होते हैं आप सबको पता है वो श्रिंक होते हैं और क्रोमोसोम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद, अप्रोक्स हाउ मेनी टाइम्स ईच डे डू अवर हार्ट वेव्स ओपन क्लोज नॉर्मली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट वेव्स, वेव्स का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। वेव्स क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड का डायरेक्शन एक ही जगह हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो। कभी कभी क्या होती है, जो हमारी वेन्स होती हैं वो डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड ले जाके लंग्स तक जब वो ले जाती हैं तब ये इंश्योर किया जाता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिमूव हो जाए। तो एक कभी कभी ये भी वेल्स ये इंश्योर करती हैं कि जो एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो, वापस ना जाए वो ब्लड, ठीक है। तो एक दिन में एक लाख बार जो हमारी हार्ट वेल्स हैं क्लोज और ओपन होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हीमोफिलिया इज मोस्टली रिलेटेड विथ रॉयल फैमिलीज, हीमोफिलिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा जो ब्लड है वेस्ट हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, एस्पर्टेम इज द नेम ऑफ ए प्रोडक्ट यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। देखिए, एस्पर्टेम जो होता है एक प्रोडक्ट होता है, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट उसको यूज़ करते हैं, एक प्रोडक्ट है, एज ए स्वीटनिंग एजेंट, मतलब
मीठे के लिए। इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पेप्टाइड्स, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? पेप्टाइड से। तो ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होती है तो सिंपल सी बात है उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो एस्पर्टेम, ऐसा भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि स्वीटनिंग एजेंट है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है उसका नाम बताइए, उसका नाम है एस्पर्टेम। ठीक है, उसका नाम क्या है? एस्पर्टेम है। ओके, आगे द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ठीक है, कब एक बच्चे का लिंग निर्धारित किया जाता है? कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कब डिटरमाइन होता है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट दियर फूड बिफोर इट एक्चुअली इंटर्स द ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया एंड फंजाइम। देखिए, बैक्टीरिया और फंजाइम क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं अपना फूड बिफोर इट एक्चुअली इंटर द ऑर्गेनिज्म। अपना ऑर्गेनिज्म मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने से पहले ही वो अपना फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया और फंजाई के लिए, इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये टॉपिक है। एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड फिटस। ठीक है, अर्पण के समय मानव भ्रूण को भ्रूण कहा जाता है, फिटस कहा जाता है। इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ऑलरेडी बायोलॉजी का जो हमने चैप्टर कराया था जिसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें फीमेल का क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं तो प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंट हो सकते हैं। वैसे ही मेल की अगर बात करें वो कौन सा होता है? वासर डिफरेंसिया। ठीक है, वासर डिफरेंस, उसको ब्लॉक किया जाता है तो मेल में स्पर्म जो होता है वो रिलीज नहीं होगा ओवरी में, सिंपल सी बात है। इन मैमल्स द एम्ब्रियो डेवलप्स इन द मैमल्स में एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो यूट्रस में होता है। ठीक है, तो स्तनधारियों में भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। ठीक है, यूट्रस गर्भाशय होता है। इन मोस्ट मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन द एम्ब्रियो डेवलप विद इन मदर्स यूट्रस एंड दे आर कॉल्ड वाइवापेरस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर मैमल्स में जो फीमेल ही होती हैं वो चाइल्ड को बेयर करती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वाइवापेरस बोलते हैं, वाइवापेरस या वीवोपोरस आप कह सकते हैं। तो याद रखना, जब भी किसी भी मैमल्स में जनरली होता ही ऐसा है, ह्यूमंस में भी, जो चाइल्ड बेयर का काम कौन करती हैं? वो महिलाएं करती हैं। तो उस उन्हीं को क्या कह लेते हैं? वाइवापेरस कहते हैं। जॉइंटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ जॉइंटिस, अगर हमारे लीवर खराब हो, यकृत खराब हो तो पीलिया हो सकता है। ठीक है, पीलिया में क्या होता है, हमारी आंखें जो होती हैं पीली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है। ठीक है, तो पीलिया नाम इसलिए बोला गया, येल्लो फीवर आप इसे कह सकते हो इंग्लिश में, इसे येल्लो फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ दीज इज ए कॉम्युनिकेबल डिजीज, तो होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज ए कॉम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कॉम्युनिकेबल डिजीज, जैसे नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे क्या होती हैं, ज़्यादातर अभी एनसीडी हो रही हैं, नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट, जो हार्ट अटैक होते हैं, डायबिटीज़ होती हैं, ये एनसीडी है, नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो जनरली ऐसे फैलती नहीं है। ठीक है, यानी कि छूने से नहीं फैलती है, हार्ट अटैक थोड़ा ना फैलेगा ना छूने से, तो उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहेंगे। तो अभी के बेसिस पर जो ह्यूमन है, अभी के लोगों की जो दिनचर्या है, जो फूड हैबिट्स हैं, तो उस बेसिस पर हमारे स्टेट का, हमारे पूरी कंट्री का जो डिजीज़ बर्डन है इज़ ओनली ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, उसके बाद द रिलीज ऑफ एग ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। बहुत सिंपल था ये तो। उसके बाद अल्फलाफा इज द नेम ऑफ ए काइंड ऑफ क्रॉप। ठीक है, अगर आता है, कभी पूछा जाता है अल्फलाफा, या अपने बेसिस पर इसको प्रोनाउंस कर सकते हो अल्फा अल्फा लफा या कुछ भी अपना अल्फा लफा। ठीक है, तो ये एक क्या है, अगर ये वर्ड आपके सामने आता है तो एक तरह की फसल है, ये एक तरह की क्या है, फसल है। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, तो ये हमेशा याद रखना। तो बहुत अच्छे से कॉम्बाइन करके ये चूज़ किए हैं ये वन लाइनर। द एक्सक्रीटा ऑफ लिजार्ड एंड बर्ड्स कंटेन ए वाइट कंपोनेंट, जिसे क्या कहते हैं? यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड तो आप सबको पता है ह्यूमन की यूरिन में भी होता है। एक्सक्रीटा मतलब होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, छिपकलियों और पक्षियों के उत्सर्जन में एक सफेद घटक है जो यूरिक एसिड कहलाता है।
मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ ऑल लीव्स। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की बात करें किसी एक पेड़ को होता है, अगर देखिए अभी तो मैंने डायरेक्ट बता दिया ये आपको, लॉस ऑफ ऑल लीव्स मतलब सभी पत्तियों के झड़ जाने से किसी भी ट्री को हार्म होता है सबसे ज़्यादा। बट चार ऑप्शन आते तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपको पेड़ों की टहनी कटने से, ये बहुत सारे ऐसे चार ऑप्शन देने पर हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आया होगा कि सभी पत्तियों के नुकसान के कारण होता है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज रिकॉर्डेड बाय, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो कौन रिकॉर्ड करता है, ईईजी, ठीक है, ईईजी जो है रिकॉर्ड करता है ब्रेन की एक्टिविटी को। द मेन फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच कंजिस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक डिवीजन इज टू, ठीक है, हमारा जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है जो कंजिस्ट क्या करता है, दो डिवीजन कंजिस्ट करता है, कौन कौन से, एक है सिंपैथेटिक और है एक पैरासिंपैथेटिक डिवीजन। तो ये क्या करते हैं, टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ वैरायटी ऑफ सेक्रेटरी सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारी पूरी सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार की स्रावी सेल्स होती हैं जो कुछ सीक्रेट करती हैं, याद रखना, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करता है ये नर्वस सिस्टम। द डुओडिनम इज ए पार्ट ऑफ, डुओडिनम अगर कहीं वर्ड आप सबको देखने को मिलता है तो वो किसका पार्ट है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। द मेडुला ओब्लोंगटा इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मेडुला तो आप सबको पता ही है किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। तीन पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आपने बायोलॉजी का अगर पार्ट टू टू ऐसा डालना, बायोलॉजी डेस्क करके पंकज बोहरा डालोगे, वंदरोगा या नी भी डालोगे तो चल जाएगा। तो उसमें हमने एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास टेंथ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाया जिसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल दी गई है आपको। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इंटीग्रेट्स विस्करल एक्टिविटीज बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट बीट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मस्तिष्क का ऐसा हिस्सा जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो हार्ट बीट देखता है, ठीक है, जो दूसरी एक्टिविटी देखता है, ठीक है, गतिविधियां देखता है, वो होता है हाइपोथैलेमस, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे ब्रेन का। उसके बाद बेकरी यूज ईस्ट इन ब्रेड मेकिंग एज इट मेक्स द ब्रेड सॉफ्टी एंड स्पॉन्जेस, बैक्टरीज जो बेकरीज होती हैं ईस्ट बनाती है, और दूसरी एक और गैस होती है जो हमारी ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्ज बनाती है, उसका नाम बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो बेकरीज में हमारे ब्रेड होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उस गैस का नाम बताना है, ठीक है, कौन सी है वो गैस। हिंट दे देता हूँ, बेकिंग सोडा में होता है NaHCO3, तो इसी से गैस निकलती है डिकम्पोजिशन से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी, किसी भी अगर कम्युनिटी की हेल्थ देखनी है, जैसे आपको पता है कोरल रिफ्स की अगर हम हेल्थ देखते हैं तो हमें एनवायरमेंट का पता चल जाता है, वैसे ही अगर किसी कम्युनिटी की हेल्थ ह्यूमन बींग्स में देखनी हो तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पता करना होगा, शिशु मृत्यु दर कितना है। जनरली द हिंदू के आज ही डिस्कशन में आया था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में 15,000 जो इन्फेंट की डेथ हुई है गुजरात में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस बेसिस पर जो कम्युनिटी की हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा वायलेट होती है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, प्लांट गेट्स वाटर थ्रू द रूट्स ऑफ कैपिलैरिटी, पौधों को जड़ों के माध्यम से पानी मिलता है केशिकात्व, ठीक है, कैपिलैरिटी के बेसिस पे, जो ग्रेविटी के बेसिस पे, एंटी ग्रेविटी के बेसिस पे काम करती है, तो जड़ों से पानी ऊपर को जाता है, जैसे ग्रेविटी आप सबको पता है नीचे को धकेलती है, पानी कैसे जाता है, ऊपर को जाता है, ठीक है। अगर प्रोसेस आपसे पूछी जाए तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाएगी। NCERT में डायरेक्ट मेंशन है कि जो पानी, जो पेड़ के जड़ होती हैं वो पानी को लेती हैं, सोखती हैं, वो किस बेसिस पे होता है, ऑस्मोसिस के बेसिस पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट होते हैं और उसका कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोसिस वहाँ पर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकबसन ऑर्गन इज रिलेटेड विथ, जैकबसन जो ऑर्गन होता है, बहुत बार ये पूछा जाता है, आप डायरेक्ट गूगल सर्च कर सकते हैं, जैकबसन जो ऑर्गन है वो रिलेटेड है स्मेल से। विच अमंग द गिवन इज नॉट ए ग्लैंड, स्टोमक इज नॉट ए ग्लैंड, ठीक है, पेट एक ग्लैंड नहीं है, एक ग्रंथि नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंक्ड करेक्टर,
ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस एक क्या है, सेक्स लिंक्ड करेक्टर है, यानी कि मेल और फीमेल के रिस्पेक्ट में कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि सेक्स लिंक्ड करेक्टर यानी कि मेल और फीमेल के बेसिस पर यह डिसाइड होता है। ओके उसके बाद ए डॉक्टर एडवाइज ए पेशेंट टू टेक प्लेनिटी ऑफ सिट्रस फ्रूट, गवावास, टोमेटोज एंड आमलाज ओवर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ्स रेगुलरली। अभी ये क्या है, एक डॉक्टर ने एक मरीज को नियमित रूप से 2 महीने की अवधि में खट्टे फल, अमरूद, टमाटर और आंवला का सेवन करने को बोला। व्हाट डू यू थिंक द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्पॉन्जी ब्लीडिंग गम्स और स्वेलन। ठीक है, किससे? स्पंजी, सूजन, मसूड़ों में खून आना। ओके स्कर्वी एक डिजीज है, डायरेक्ट पूछा जाता है। स्कर्वी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, विटामिन सी से होता है, उसकी कमी से होता है, तो स्किन की डिजीज है ये, एक त्वचा की, क्योंकि उसमें पूछा जाता है टीथ की, गम्स की, तो हमें खाली स्कर्वी पता रहता है कि विटामिन सी की कमी से होता है, होता कहाँ है ये पता नहीं है हमें। ठीक है नेक्स्ट है एक्यूपंचर इज ए मेडिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन विच। देखिए एक्वापंचर में क्या होता है, नीडल्स आर इंसर्टेड इन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू रिलीव पेन। सिंपल सी बात है, दर्द को कम करने के लिए सुइयां चुभोई जाती हैं हमारे उसमें, किसमें? बॉडी पार्ट्स में, पीठ में, बैक में। ठीक है तो वो पेन को कम करने के लिए होती हैं। ठीक है डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। देखिए अभी हमने पढ़ा स्कर्वी कहां पर होती है, स्किन का एक रोग है, तो अभी डिजीज जो होती है स्कर्वी होती है। ठीक है हार्ट अटैक इज कॉज्ड ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। और देखिए कोलेस्ट्रॉल कल की हमने लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक जो कोलेस्ट्रॉल जनरली सेल का पार्ट होता है और एवरी सेल में ये पाया जाता है जनरली। ठीक है दिल का दौरा कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। ठीक है इसकी एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ सकता है। डायबिटीज क्यों होती है, इंसुलिन अगर नहीं होगा, मधुमेह किस कारण से होता है, इंसुलिन। ठीक है तो लैक ऑफ व्हाट कॉजेज डायबिटीज, इंसुलिन। तो बहुत ज़्यादा जब इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है तो इंसुलिन, जैसे जैसे हमारा नेचुरली ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो। एक और क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि इंसुलिन क्यों यूज़ होता है, इंसुलिन जनरली हमारे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने के लिए होता है, वहाँ पर दो चीज़ें आएंगी तो हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार बढ़ाता भी है घटाता भी है, बट ज़्यादातर घटाता है, जनरली घटाने के लिए यूज़ करते हैं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर है, तो इज अ डिजीज ऑफ द ब्लड और ब्लड में भी क्या, ब्लड कैंसर। ठीक है बहुत बार पूछा जाता है। लॉक जॉ दैट इज डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ इज सिम्टम्स ऑफ टिटनेस। ठीक है कभी कभी क्या होता है, हम अपना मुंह खोल नहीं पाते हैं, हमारा जो जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है एक तरह। ठीक है तो टिटनेस का लक्षण है ये। इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज। देखिए कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, एग्जाम्पल ब्लड और लिम्फ ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है एक ऐसा टिश्यू जनरली जो हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करे, ठीक है उन तक कुछ चीज़ पहुँचाए, मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन, तो उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मायोपिया इज कनेक्टेड विद द आइज। ठीक है मायोपिया नियर साइडनेस, पास की चीज़ें देख लेते हैं पर दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ठीक है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम जो डिजीज होती है 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है वैसे तो पेयर में होने चाहिए बट 47 क्रोमोसोम्स होंगे तो हमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है। शॉर्ट साइडनेस कैन बी राइटेड बाय कॉनकेव लेंस, शॉर्ट साइडनेस वही। ठीक है उसके बाद स्मॉल पॉक्स इज डेडली एंड हाईली कॉन्टाजियस। एक स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज है। चेचक एक घातक अत्यधिक संक्रामक है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को ले जाना, सही है। हनी कंटेन मेनली, हनी एक शहद है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे मोनोसेक्राइड्स हो गए। ठीक है कार्बोहाइड्रेट जैसे C6H12O6। ठीक है द मेटल बेरियम इज यूज इन, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है बेरियम, टेकिंग एक्स रेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पर से हम न्यूट्रिशन से लेकर एक्सक्रीशन करते हैं उस पूरे की एक्सरे जब लिया करते हैं तब कौन सा मेटल यूज होता है, बेरियम। नेक्स्ट है बटर इज, बटर क्या है कभी कभी पूछा जाता है एमसीक्यू में, फैट जो है वाटर में डिस्पर्ज है या वाटर जो है फैट में डिस्पर्ज है, तो बटर का याद रखना वाटर पानी जो होता है वो डिस्पर्ज रहता है फैट में। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट है जो कि कहाँ मिलता है, आदमी की आंतों में, इंटेस्टाइन में।
विच अमंग द गिवन इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल? टॉर्टोइज एक क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है, कछुआ एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके बाद जो द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट खुद सिंथेसाइज करते हैं वो है ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। उसके बाद एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा फीचर है? आप सबको पता है डबल हेलिक्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड, जो ब्लड में अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये गाउट क्रिएट करता है, गाउट से बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। उसके बाद फूड फॉर, अगर कोई फीटस है तो उसके लिए खाना जो होता है प्लेसेंटास के थ्रू होता है, और याद रखना हमेशा जो खाना होता है वो ब्लड के थ्रू जाएगा, प्लेसेंटा का जो पाथ रहेगा वो प्लेसेंटा रहेगा, बट ब्लड ही ले जाता है पूरा मटेरियल बच्चे तक। और जो बच्चा जो है जब वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करता है तो वो भी जो निकला जाता है या निकाला जाता है वो इससे ही निकाला जाता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा से। विच अमंग द गिवन प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस? सनलाइट, बहुत सिंपल सा चीज़ है। मलेरिया जो होता है उसको, जो ड्रग बनाया जाता है मलेरिया का, उसे किस पेड़ के उससे निकालते हैं? चिंचोना ट्री से। ये आप सबको पता होगा, बहुत मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है यही रहता है, ठीक है। उसके बाद द रिएजेंट यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी पत्ते में पता करना है कि स्टार्च है या नहीं, स्टार्च क्या होता है, जो इमीडिएट फूड यूज़ नहीं करते हैं, सपोज प्लांट ने अपना खाना बनाया और उसका उसने यूज़ नहीं किया बट स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टार्च स्टोर कर लिया, तो उसी को पता लगाने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। रेबीज किससे होता है? वायरस से, सॉरी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव इंजाइम? देखिए गैस्ट्रिन एक डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं है, ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम कौन सा नहीं है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक डाइजेस्टिव इंजाइम नहीं होता। ओके, इन टेस्ट ट्यूब बेसिस ओवम क्या होता है? फर्टिलाइज रहता है इन द टेस्ट ट्यूब्स एंड डेवलप्ड इन यूट्रस। देखिए जब भी टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं तो ओवम जो होता है फर्टिलाइज करते हैं टेस्ट ट्यूब में ही, बट जो बेबी होता है ना वो डेवलप होता है यूट्रस में ही होता है, ठीक है, गर्भाशय में। ए डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, रिंगवॉर्म, फंगस के द्वारा कौन सी जो डिजीज होती है वो है रिंगवॉर्म, ठीक है। गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान? ऑक्सीजन, तभी तो हम बोलते हैं प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की वो कीट भक्षी होती हैं, यानी कि कीड़े को खाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए रीज़न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइंस की अगर बात करें, बिकॉज दे आर एडेप्टेड टू ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशियंट सॉयल एंड दस डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर सफिशियंट नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन। अब देखो होता क्या है, प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए भी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे जो ये प्लांट होते हैं ना, तो वो ऐसी सॉइल में रहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का कंटेंट बिल्कुल ही कम रहता है, तो इस वजह से वो क्या खाना शुरू कर देते हैं, कीड़ों को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का न्यूट्रिशन उनको मिल पाए। तो कीट भक्षी इस वजह से होते हैं, नाइट्रोजन के वजह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? पीचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कि कीट भक्षी है, यानी कि इसको अच्छे से नाइट्रोजन नहीं मिलता तो ये कीड़ों को खाना शुरू कर देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पीचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इन टू ए पीचर? तो वो है लीफ है, ठीक है। निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक पीचर में परिवर्तित हो जाता है? वो है पत्ता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द गिवन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन? बीन्स, बीन्स आयोडीन का सोर्स है बेस्ट, और प्रोटीन का भी सोर्स, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज हाई इन द आर्टरीज? देखिए आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, क्योंकि देखो आर्टरीज अगर बात करें तो डायरेक्ट अगर ये हार्ट बना दें, बायोलॉजी का हम नॉर्मल हार्ट बनाते हैं, चलो बायोलॉजी का कैसा होता है वो तो टब भी होता है बनाना, तो इस ऐसा ही बना देते हैं हम, ठीक है। ये हार्ट हो गया, तो यहाँ पर से आर्टरीज जो होती हैं यहाँ पर से इस हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, तो उसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और आर्टरीज़ की अगर बात करूँ तो इसकी वॉल्स भी बहुत ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वेन्स, वेन्स की बहुत
थिन वॉल्स होती हैं, आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि इसको हाई ब्लड प्रेशर का जो ब्लड है हमारा, हार्ट से डायरेक्ट सभी ऑर्गन तक पहुंचाना पड़ता है। व्हेन द बार्क ऑफ ट्री इज रिमूव्ड इन ए सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस, इट इज ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज बिकॉज। अब देखिए, क्योंकि रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। अब देखो क्या होता है, कभी कभी क्या कर लेते हैं, बेस में किसी, आपने देखा होगा पेड़ को, यहाँ पर ऐसे ऐसे सर्कुलर बेस में काटे रहते हैं। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे सूखता है, धीरे धीरे वो मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूट्स को एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी। देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है द कॉमन बाइल डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इन टू स्टोमक, जो बाइल डक्ट है अपना कंटेंट रिलीज करती है स्टोमक में। दूसरा ऑप्शन दिया है द पैनक्रियाटिक डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इन टू ड्यूओडेनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है वो अपना कंटेंट रिलीज कहाँ करती है, ड्यूओडेनम में, ओनली टू। और क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा जाता है डिट्टो, ठीक है, इसी बेसिस पे, जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे पूछे जाते हैं उसी बेसिस पे ये हमने पूरी सीरीज आपके लिए फ्रेम की है। विच अमंग द गिवन इज ए विटामिन, राइबोफ्लेविन, ठीक है याद रखना, राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। मेटास्टेसिस इज द प्रोसेस बाय विच कैंसर सेल स्प्रेड थ्रू द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर साइट और ऑर्गन, ठीक है। मेटास्टेसिस क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि पूरे ब्लड के थ्रू कैंसर सेल फैल जाती हैं और लिम्फेटिक सेल टू अदर साइट्स और ऑर्गन, सभी उसमें। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का फैलना, ठीक है, ब्लड में, लिम्फेटिक सिस्टम में और दूसरे ऑर्गन में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। बोन इज यूज एज ए फर्टिलाइजर एज इट कंटेन द प्लांट न्यूट्रेंट, बोन फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं, उर्वरक की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो आप सब ने पता है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर में यूज़ किया जाता है। तो बोन में ऐसा क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम मत कर देना, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। विच अमंग द गिवन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी इन एनिमल, इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, हमने इससे पहले मैं डिस्कस किया था, अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे तो सिंपल सी बात है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। वैसे ही मेल की अगर बात करें, वासा डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जीन्स, द हेरिडिटरी यूनिट्स आर सिचुएटेड इन द क्रोमोसोम्स, जीन्स जो हैं किस में सिचुएटेड रहते हैं, क्रोमोसोम्स में, ठीक है। आप क्रोमोसोम से भी पहले, और क्रोमोसोम्स हमें तब दिखते हैं ना जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तभी हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, यूरिया का फंक्शन करता है लीवर, वो लीवर, ठीक है, तो ज़्यादातर फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, लीवर। तो प्रोडक्शन ऑफ किसका है, फंक्शन किसका है, लीवर का, यूरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेंड। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हल्दी होती है, आलू होता है, ये किस पार्ट से या क्या पार्ट है, किस जगह से मिलता है, यह स्टेम, ठीक है, स्टेम। ओके, विथ रेफरेंस टू फंक्शन, ये तो स्टेम से मिलती हैं, ये टर्मरिक वाला, और पोटैटो एक कौन सा पार्ट है ऐसा बोला जाता है, रूट है या स्टेम है, ठीक है, चलो इसमें बताना आप कमेंट बॉक्स में बताना पोटैटो के बारे में, ठीक है, टर्मरिक स्टेम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन किडनी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब दो स्टेटमेंट। पहला, आफ्टर द वेस्ट इज रिमूवल इन द किडनी द क्लीन ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल आर्टरी। अब क्या होता है, जब वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है किडनी द्वारा, ठीक है, तो जो क्लीन ब्लड है वो सेंट हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैंने ये बोल दिया, वो किडनी होती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, तो थोड़ा सा हरी में, तो इसको डाउट क्लियर कर लेना अपना। प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का फंक्शन क्या होता है, वो यूरिया क्रिएट करता है। फिर अब बहुत ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन वाली यूनिट होती हैं वो किडनीज होती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल बायोलॉजी का जो पहला आपने चैप्टर पढ़ा होगा मेरा, तो मैंने पढ़ाया था उसमें कि आर्टिफिशियल जो किडनीज होती हैं उसका और नेचुरल किडनी में दो डिफरेंस होते हैं। जो सपोज हमारी जो किडनीज होती हैं, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ लीटर
जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें सॉल्ट भी होते हैं, अमीनो एसिड क्या करती है, रिलीज करती है। बाकी 2 लीटर हमारी जो है निकल जाता है, ठीक है, 2 लीटर को वेस्ट प्रोडक्ट एज ए बाहर निकल जाता है। बट जितना बहुत ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे जो यूज़फुल सॉल्ट होता है वो हमारी नेचुरल किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, बट आर्टिफिशियल किडनी ये नहीं कर पाती है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी में यही जो एक डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर किड फिल्ट्रेशन यूनिट मैंने सोचा जल्दी में, ठीक है, तो ये लीवर जो है यूरिया क्रिएट करता है, वो किडनी होती है। ठीक है, ओके, अब किडनी के बेसिस पर क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड द किडनी, द क्लीन ब्लड इज सेंट बैक थ्रू रेनल आर्टरी फ्रॉम बोवेन कैप्सूल, द फिल्टर्ड लिक्विड पासेज थ्रू द टाइनी ट्यूब सीवियर, मच ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड सेंट बैक टू द ब्लड इन द रेनल वेन। तो इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन 2, बोमन के कैप्सूल से फिल्टर्ड तरल छोटे ट्यूब से गुजरता है जहाँ ग्लूकोज का बहुत अधिक पूर्ण संक्रमण होता है और गुर्दे के सिरा रक्त में वापस भेजा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं इसमें कि बोमन कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड पासेज थ्रू टाइनी ट्यूब्स विच मच ऑफ ग्लूकोज रीऑब्जर्व कर लिया जाता है और वो कहाँ, ब्लड में ही भेज दिया जाता है, जो मैंने अभी आर्टिफिशियल किडनी और नेचुरल किडनी के बेसिस पे इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ओके, प्लांट रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग, प्लांट कब एनर्जी रिलीज करती हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब जनरली अगर बात करें ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन को एक्वायर करना और जो फूड आर्टिकल्स हैं या फूड के जो आइटम्स हैं वो ब्रेक डाउन होना। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, जो फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू में आता है, वसा ऊतकों में, तो यही एनर्जी स्टोर और फैट स्टोर करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, विच अमंग द गिवन डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर थ्रू द टैटूइंग। ठीक है, टैटू अगर करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV, इसमें क्या, देखो चिकनगुनिया टैटू करने से तो नहीं होगा, एक तरह से टैटू करना एक इंजेक्शन ही लगाना होता है, तो हेपेटाइटिस बी और HIV/AIDS हो सकता है टैटू करने से। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मेनोलॉजी कोकल मेनिनजिटिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो बाइट्स, वॉमिटिंग एंड नेक पेन आर टू ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेनिन गोकोकल मेनिनजिटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू। ठीक है, तो जो वॉमिटिंग और नेक पेन होता है 2 सिम्टम्स हैं किसके, मेनिन गोकोकल और मेनिनजिटिस के। अगर कोई बोलेगा कि 2 सिम्टम्स, जैसे अगर हम बात करें कोरोना वायरस के 2 सिम्टम्स क्या हैं, फीवर है, आपका बॉडी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाना होता है, वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो सिम्टम्स हैं मेनिन गोकोकल मेनिनजिटिस के, उसके 2 सिम्टम्स क्या हैं, आपको उल्टी आएंगी, आपके नेक पेन होगी। ठीक है, तो ये याद रखने ला, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हम सिर्फ थर्ड पढ़ेंगे क्योंकि वन लाइनर फैक्ट हम कर रहे हैं। स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डेंगू, तो डेंगू अगर किसी को हो जाता है तो कैसे कोई पता लगा सकता है कि डेंगू हुआ है, तो स्किन रैशेज होना, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून आना, गम्स से खून आना, स्किन में रैसेज, त्वचा में जो है रैसेज आना, तो ये डेंगू के लक्षण होते हैं। सही है, नेक्स्ट है, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल फॉर्म्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग बोन में लिम्फोसाइट सेल जो होती है फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन क्या आता है, शॉर्ट बोन, कनेक्टिव बोन, जॉइंट बोन, कौन सी बोन, तो ऑप्शन हो जाता है लॉन्ग बोन में हमारे लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है, एथलीट फूड इज डिजीज कॉज्ड बाय फंगस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, पहले में लिस्ट 1 में डिजीजेज हैं और टाइप्स ऑफ डिजीजेज कौन कौन सी हैं। लिस्ट 1 के बारे में बात करूँ तो ABCD करके दिया है यहाँ पर। देखो ए में हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खून जो होता है वो ब्लड लॉस हो जाता है। दूसरा डायबिटीज़, ठीक है, तो इस बेसिस पे हीमोफीलिया में क्या बोल रखा है, डेफिशिएंसी डिजीज़, डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ है, रिकेट्स एक हार्मोनल डिसऑर्डर है,
और रिंग वॉर्म एक फंगल इंस्पेक्शन है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर है 2, 3, 1, 4, यानी कि ए का क्या है, देखो ए का है क्या है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है। अब जेनेटिक डिजीज़ है तो ज़्यादातर इससे पहले हमने देखा कि ये रॉयल फैमिलीज़ में होती है ज़्यादातर, तो एक तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती है। अगर बी की बात करें, डायबिटीज़ एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है, हार्मोन डिसऑर्डर हो जाता है जैसे डायबिटीज़ इंसुलिन में, ठीक है। उसके बाद सी की अगर बात करें तो 1 है, सी रिकेट्स है, रिकेट्स किस वजह से होता है, एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना रिकेट्स किस विटामिन के कमी होने से होता है, ठीक है। और डी का आंसर है 4, रिंग वॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है, सही है, ये हिंदी वालों के लिए। ओके देखो पूरी फाइल इसी में मिलेगी आपको। नेक्स्ट है, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर, कि उर्वरक जो होते हैं मतलब यूरिया एक फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, तो उसमें नीम क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। अब देखिए हमारे मिट्टी को यूरिया भी बहुत अमाउंट में नहीं मिलना चाहिए, तो जनरली नीम अगर मिलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया जो है मिट्टी में घुलना नहीं चाहिए, अगर मिट्टी में घुल जाएगा तो जो फसल होगी उतनी अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगी। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए दो चीज़ें हैं, ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला आप मेरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें समझ जाएंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सडन एक्शन, जैसे जो कि जनरली हमारे हम इंसान ने इस तरह से डेवलप किया कि ब्रेन की अगर टास्क की बात करें, ब्रेन जिस हिसाब से सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसा है, जैसे ये गर्म चाय का प्याला है तो उसको छूओगे तो सडन आप हाथ हटा लेते हो, तो ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है ना कि ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन न्यूज़। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जो डेवलपमेंट में एक टर्म यूज़ किया जाता है ट्रांसक्रिप्टोन, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोन का मतलब होता है द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, मैसेंजर RNA जो है पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब होता है ट्रांसक्रिप्टोम, उसका मतलब क्या होता है ट्रांसक्रिप्टोम। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, विच ऑफ द अबव इज आर मैमल्स, तो 1 और 3 यानी कि सी काउ और सी लायन, यानी कि सी हॉर्स एक मैमल नहीं है, सी काउ और सी लायन एक मैमल है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दी जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट क्या है, एल्बो, ठीक है, हिंज जॉइंट में क्या है, एल्बो में एक हिंज जॉइंट होती है, ज़्यादातर यहाँ पर हमारी जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होती है, ठीक है, हिंज जॉइंट क्या है, एल्बो। द सब्सटेंस यूज टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, एंटीपायरेटिक्स, हमको बहुत ज़्यादा बुखार है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें कौन सा सब्सटेंस देते हैं ये भी याद रखना है, ये है एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इज द पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड, पीनियल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारी मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आर फाउंड इन द बोथ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड ओशियंस, पहला स्टेटमेंट है, हम सिर्फ उसी स्टेटमेंट को याद करेंगे जो वन लाइनर फैक्ट के बेसिस पर हमें याद करना है, ठीक है। द चेमिलॉन कैन लुक अहेड विथ वन आई एंड एट द सेम टाइम लुक बिहाइंड द विथ अनदर, डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक ही समय पर साइमेंटेनियसली आगे भी देखना और पीछे भी देखना कौन कर पाता है, चेमिलॉन, ठीक है, ओनली टू। उसके बाद मेल मॉस्किटो फीड ऑन प्लांट जूस, ठीक है, मेल मॉस्किटो जो फ्लावर नेक्टार वाला क्वेश्चन किया था वही है ये क्वेश्चन, ठीक है। द सलाइवा सीक्रेटेड इन द माउथ डाइजेस्ट, जो सलाइवा सीक्रेट करता है हमारे माउथ में से वो क्या डाइजेस्ट, क्या किसका पाचन करता है, वो स्टार्च का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 गई है वाइल्ड स्पीसीज और उनके साइंटिफिक नेम क्या क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। एशियाटिक वाइल्ड आस, इसको क्या बोला गया यहाँ पर, बोसेल्फस ट्रैगो कैमिलस। दूसरा है बारहसिंगा, बारहसिंगा को क्या बोला जाता है, सेरवस डुबैकली, ऐसे स्टेटमेंट है यानी कि, ठीक है। चिंकारा क्या दे रखा है, इक्वस
हेमिनोस, और नील गाय को क्या बोला गया है, गैजियस गजेला। तो यहाँ पर कोड से याद रख लीजिए ए बी सी डी का है, ए का क्या है 3, यानी कि ए जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स है उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इक्यूआ हेमिनोस, बी का यानी कि हमारा जो बारहसिंगा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 2 यानी कि करवेस डुआक्यूली, ठीक है, या डुएसैली, ठीक है। बाकी नील गाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर नील गाय डी की बात करें तो नील गाय का क्या हो जाएगा आंसर, नील गाय का हो जाएगा 1 यानी कि बोसलफेस ट्रेगो कैमिलस, ये नील गाय को बोलते हैं, ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम है। ओके, टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्लांट रिक्वायर, अगर फोटोसिंथेसिस होना होता है तो प्लांट को क्या चाहिए होता है CO2, सही है। एपीफाइट्स आर प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, एपीफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश, स्टार फिश एक ट्रू फिश नहीं होती, निम्नलिखित में से एक कौन सी सही मछली नहीं है यानी कि ट्रू फिश नहीं है, वह है स्टार फिश, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। ओपियम इज ए प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लेटेक्स, ओपियम जो होता है जिसे ड्रग्स भी बनते हैं वो ड्राइड लेटेक्स से मिलता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन कहाँ से ऑब्टेंड होती है, ऑब्टेंड फ्रॉम बैक्टीरियम, ठीक है, एक जीवाणु से प्राप्त होती है एंटी जो बायोटिक एम्पिसिलिन होती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है MNC है, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन वेराइटी बनाई दैट इज़ अंडरगोइंग फील्ड ट्रायल्स इन इंडिया, ठीक है, उन्होंने एक कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया कि मतलब एक ऐसा कपास बना दिया जो कि अब उस पर कीड़ा नहीं लगेगा, बट हुआ क्या, ए टॉक्सिन जीन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दिस ट्रांसजेनिक कॉटन, तो उसका नाम क्या है, बैसिलस थरेंगिजीनेसिस। अब ये क्या होता है, तो जो ये कॉटन हुआ बैसिलस थरेंगिजीनेसिस, इसमें क्या हुआ, जो बैक्टीरिया होता है जो एक टॉक्सिक जीन होता है, तो जनरली क्या होता है बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल रहता है उस चीज़ के लिए, क्रॉप की जो फसल होती है कपास उसके लिए, ठीक है, टॉक्सिक जीन मिला इसमें। तो याद रखना जो MNCs हैं, अगर बात करें इंडिया में जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स हैं उसमें सिर्फ एक BT कॉटन को ही अप्रूवल मिला है, ठीक है, ब्रिटी ब्रिंजल को नहीं मिला है। तो टॉक्सिक जीन के लिए याद रख लेना किस बैक्टीरिया से ट्रांसफर हुआ है ट्रांसजेनिक कॉटन में, वह है उस बैक्टीरिया का नाम बैसिलस थरंगजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मे सफर फ्रॉम फूट एंड माउथ डिजीजेस, कैटल एंड शिप, ठीक है, तो सफर करते हैं फूट और माउथ डिजीज, कैटल एंड शिप। इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम एन बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो टॉक्सिक जीन बैक्टीरिया था अभी बताया बैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स, जो प्राइमरी सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं वो क्या होते हैं, पौधे होते हैं। एनिमल्स एक्टिव एट नाइट आर नॉक्टुरल, ठीक है, कौन होते हैं, नॉक्टुरनल, ठीक है, निशाचर, रात में सक्रिय होने वाले जानवर। कॉटन फाइबर्स किससे बने रहते हैं, सेलुलोज से बने रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, अगर बात करें इस चीज़ को हमने ये डाला है क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था, अगर पार्ट वन आपने देखा होगा तो मैग्नीशियम है वो, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम क्या होता है, सपोर्ट देता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज जिंक, ठीक है, ट्रेस मेटल जो इंसुलिन में प्रेजेंट रहता है वह है जिंक, हल्के अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन में जिंक प्रेजेंट रहता है। हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई ऑफ सीरियोस, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, शराब का सेवन करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, किस वजह से, सीरियोस या सीरोहोसिस आप बोल सकते हो। द मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर डॉल्फिन्स, डॉल्फिन को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, बहुत बार अगर बात करें ह्यूमंस को भी रेस्क्यू किया है डॉल्फिन ने। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, कसकटा इज ए कम्प्लीट स्टेम पैरासाइट, कसकटा क्या होता है, एक पैरासाइटिक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, यानी कि बिना उसको मारे, बिना अपने होस्ट को मारे उनसे फूड ले लेते हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर अप्रॉक्सीमेटली 1 meter इन डायमीटर बिलोंग टू द जीनस रेफिलिशिया, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट फ्लावर है अगर बात करें 1 meter का डायमीटर होता है, किस जीनस का है, रेफिलिशिया, जीनस क्या है, रेफिलिशिया।
विच अमंग द गिवन प्रोसेसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सी ओ टू इन एयर? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दी गई प्रक्रिया में कौन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो सी ओ टू एटमोसफेयर से वो ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। वी लूज कॉन्शियसनेस इफ़ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज कट ऑफ फॉर मोर देन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हम अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं, हम अपनी चेतना खो देते हैं अगर 5 सेकंड तक हमारे ब्लड में अगर खून ना जाए, सिर्फ 5 सेकंड खून ना जाए तो ये चीज़ हो जाता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम वायरस से होता है, जैसे HIV वायरस। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसल टू कॉम्बैट इन्फेक्शन? देखिए, WBC का काम क्या है? WBC का काम है कि जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ना। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है RBC, WBC, इन सब का काम क्या है? इन्फेक्शन से लड़ने का काम है WBC का। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी? 36.9 डिग्री सेल्सियस। कोरोना वायरस में भी क्या होता है, लोगों का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, विच अमंग द गिवन डिजीज इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज? इन्फ्लुएंजा इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। विच अमंग द गिवन इज नॉन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RVC? RVC का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्प्लीन को। विच अमंग द गिवन इज ए बैक्टीरियल डिजीज? लेप्रोसी। लेप्रोसी इज ए बैक्टीरियल डिजीज। ओके, लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। कार्निवोरस प्लांट कौन है? पीचर प्लांट। पीचर प्लांट कार्निवोरस होता है। ज़्यादातर क्या होता है, एटमोस्फियर में ऐसी सॉइल में उगे रहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम है, तो सिंपल सी बात है नाइट्रोजन को वो लेने के लिए इंसेक्ट को भी मारते हैं। विच अमंग द गिवन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs? फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं RBCs को बनने के लिए। सही है। उसके बाद इंजाइम्स क्या होते हैं? एक तरह के इंजाइम क्या होते हैं, हम बोलते हैं ना ये इंजाइम हमारा ये इसमें मदद करता है, इस बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये ब्रेक डाउन में काम करता है, खाने को जल्दी पचाता है। तो जनरली ये इंजाइम होते क्या हैं? ये इंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं। विच अमंग द गिवन रिलीव्स पेन? एनल्जेसिक। एनल्जेसिक क्या देता है? पेन को रिलीव करता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका हूँ मैं। चलो बताओ एनल्जेसिक में कौन सा मेटल होता है या कौन सा एलिमेंट होता है? एलिमेंट बताओ, एलिमेंट का नाम बताना, मेटल नहीं, एलिमेंट का नाम बताओ। एनल्जेसिक। एनल्जेसिक में क्या होता है, जो हमारी जो दर्द को कम करता है। ठीक है, बी से आप नाम है उसका। विच अमंग द गिवन मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज? इंसुलिन ही दिया जाता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच अमंग द गिवन मेंबर ऑफ फैमिली सोलनसिया इज रिच ऑफ सोर्स ऑफ विटामिन सी? गुआवा, अमरूद। ठीक है, विटामिन सी में अमरूद बहुत ज़्यादा होता है। अगर किस फैमिली, फैमिली भी बात की गई है। ठीक है, वैसे तो आंवला अगर आएगा तो आंवला आप कर सकते हैं। उसके बाद विच अमंग द गिवन विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन लीवर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सिंपल सी बात है, आपको तो सभी लगेगा ABCDE, बट इसमें से हम लीवर में कौन सा स्टोर नहीं कर सकते हैं, कौन सा विटामिन? विटामिन ई कैन नॉट बी स्टोर्ड इन लीवर। ओके, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, इतना छोटा सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ सलाइवा? का एक बेनिफिट नहीं है, इट इंक्रीजेज RBCs इन द बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये क्या बढ़ा देता है, RBCs की। देखिए कोई भी चीज़ एबनॉर्मल, किसी भी इंक्रीमेंट सही नहीं होता है। अगर हम कहेंगे कि जो सलाइवा का अगर बेनिफिट नहीं देखें, कि सलाइवा वैसे तो आप सबको पता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, बट कभी कभी सलाइवा क्या करता है, RBC भी बढ़ा देता है, रेड ब्लड सेल्स भी बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। उसके बाद द कैंसर दैट अराइजेज फ्रॉम द सेल्स ऑफ द स्किन और द सेल्स लाइनिंग द इनर ऑर्गन इज नेम्ड एज कार्सिनोमा। ठीक है, ऐसा कैंसर जो हमारे त्वचा से होता है या इनर सेल्स से होता है, उस कैंसर को क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा बोलते हैं। द एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन बिग क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही जरूरत होती है किसी भी प्लांट को उसके मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि वो क्या करे, जैसे इंसेक्ट का है। देखिए अगर बात करें इंसेक्ट की, जो सॉइल्स होते हैं, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया कि सॉइल से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता तो कीट को मारने लग जाते हैं। उसके बाद है एनसीलोस्टोमा इफेक्ट्स थ्रू स्किन। ठीक है, एंक्लियो
स्टोमा प्रभाव करता है त्वचा के माध्यम से। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी मिनट डू वी स्पेंड एवरी डे बींग ब्लाइंड कंसिडरिंग द टाइम टेकन फॉर ब्लिंकिंग। 30 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अप्रोक्सीमेटली ये बोल रहा है कि कितनी बार पलक झपकने लगने वाले समय पूरे एक दिन में हम जो पलकें अपनी झपकाते हैं या झपकती हैं जो पलकें, तो वो टोटल 30 मिनट लेती है, यानी कि 30 मिनट तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं फिर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आरू केरिया और क्रिसमस ट्री ए कॉमन एंड ए ब्यूटिफुल वस्कुलर प्लांट ऑफ गार्डन इज ए वेराइटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इज ए वेराइटी ऑफ जिम्नोस्पर्म। उसके बाद है आर्कियोपिट्रिक्स हैड द फॉलोइंग रेप्टिलियन कैरेक्टर, तो उसमें क्या है, क्लॉड विंग्स होते हैं, टीथ ऑन जॉ होते हैं, जबड़े में दांत होते हैं, टेल होती है। बायोप्सी इज डन ऑन द टिश्यू टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी, बायोप्सी कहाँ पर होती है, जो लिविंग बॉडी से टिश्यू लिया जाता है वहाँ पर बायोप्सी की जाती है। एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लम्जिम, ठीक है, प्लम्जिम के नाम से भी जाना जाता है, तीव्र शीशा विषक्तता, ठीक है, एक्यूट लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइंज, लेड से बहुत ज़्यादा अगर पानी, देखिए मैगी, अगर आपने पता होगा मैगी के बारे में, तो मैगी बैन हुई थी किस वजह से, लेड की वजह से हुई थी, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लम्जिम। फ्रॉम द बार्क ऑफ विच पार्ट इज क्यूनाइन एक्सट्रैक्टेड, क्यूनाइन जो होता है वो मलेरिया को सही करने के लिए होता है, तो वो चिंचौना हो जाएगा। द एवरेज लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस इज 120 डेज होता है जनरली, ठीक है, 120 दिन, ठीक है, WBC कुछ हावर से कुछ दिन तक होता है, ओके। और अगर प्लेटलेट्स की बात करूँ तो 8 से 10 दिन तक होता है उसका लाइफ स्पान। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाउट, ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इंसेक्ट्स हैव 3 pairs ऑफ लेग, जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास 3 pairs ऑफ लेग्स होते हैं। द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वॉज प्रिपेयर्ड बाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हार्मफुल डिजीज़ है जो कि इन्फेंट में होती है, तो सबसे पहले जो वैक्सीन, इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप की थी वो जॉनस ई सॉल्क ने की थी। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिजीज़ का नाम क्या होता है, डायबिटीज़ तो आप सबको पता है, बट उसे डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, ओके। उसके बाद डोरमेंसी पीरियड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड हाइबरनेशन, ठीक है, सर्दियों के मौसम के दौरान जानवरों की अवधि को कहा जाता है हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन। बाइल इज सिक्रेटेड बाई, बाइल कौन सिक्रेट करता है, लीवर। द मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, साधारण प्रवणता के विरुद्ध कोशिका की गति सक्रिय परिवहन कहलाती है, ओके। उसके बाद देखेंगे अदर देन स्प्रेडिंग मलेरिया एनाफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वैक्टर ऑफ फिलारियसिस, ठीक है, देखिए इस मलेरिया के अलावा जो एनाफिलीज मॉस्किटोज होती हैं वो वेक्टर हैं किसके लिए, फिलारियसिस। उसके बाद देवदार, देवदार स्प्रूस, देवदार लॉर्च और सरू प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं जिनमें से कई भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, ये सभी क्या हैं, जिम्नोस्पर्म हैं। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं, एंजियोस्पर्म वो होते हैं जो जिनमें फ्लावर आते हैं, ठीक है। द रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम 90 कॉजेज स्किन कैंसर, आप सबको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, स्ट्रोंटियम 90 रेडिएशन एमिट करता है जिससे कि त्वचा का कैंसर हो सकता है। नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनिमल फूड, कौन सा विटामिन एनिमल फूड में नहीं पाया जाता है, वो है विटामिन सी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये विटामिन सी पाया नहीं जा रहा है एनिमल फूड में। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर बॉर्न डिजीज, कॉलरा एक वाटर बॉर्न डिजीज होती है, पायरिया इज अ डिजीज ऑफ द, पायरिया कौन सी डिजीज है, गम्स की डिजीज है। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, RBCs कहाँ पाई जाती हैं, बोन मैरो में पाई जाती हैं। सलाइवा की अगर एक खास बात बोलें, बेनिफिट नहीं है कि वो RBCs को बहुत लार्ज नंबर में क्या होता है, क्रिएट कर देता है। पीजन मिल्क इज प्रोड्यूस बाई, पीजन मिल्क कौन प्रोड्यूस करता है, बर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीज, परिनिशियस एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है बहुत ज़्यादा, विटामिन B12, ठीक है, इससे परिनिशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेयॉन इज सेलुलोज,
ठीक है, वो क्या है? सेलुलोज है। सम वर्टिब्रेट्स इन बर्ड्स फ्यूज टू फॉर्म, वो क्या बनाते हैं? पक्षियों में कुछ कशेरुका सिने सरकम बनाने के लिए फ्यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म सिन सेक्रम जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो फ्यूज़ करते हैं यानी कि जैसे फर्टिलाइज होता है ना उसे, तो कुछ वर्टिब्रेट बर्ड फ्यूज़ करती हैं सिन सेक्रम बनाने के लिए। येलो स्पॉट्स इन सिट्रस लीव्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, कभी कभी पीले पीले धब्बे हमको देखने को मिलते हैं पत्तियों में, मैग्नीशियम की कमी से होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल जैसा होता है ना उसमें, उस वजह से हो जाता है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी किसकी स्टडी है? फंजाई की। बनाना प्लांट एक हर्ब है, ठीक है, बनाना का प्लांट एक क्या है? हर्ब है। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स आर, जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? कैल्सिफ्रॉन है, कैरोटीन है और टोकोफेरॉल है, और क्या है? टोकोफेरॉल है। अगर आपको CTC याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो आपको कोई कहेगा कि बताओ फैट सॉल्यूबल विटामिन क्या होंगे जो फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, एक होते हैं फैट सॉल्यूबल, तो CTC का याद रख लेना, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, BCG का टीका किसके लिए लगता है? TB के लिए लगता है। ब्लबर इज ए लेयर ऑफ थिक फैट, द सेलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, देखिए बहुत बार डिस्कस किए हैं सेलाइवा किसके डाइजेशन के लिए मदद करता है? स्टार्च के लिए। उसके बाद बाई विच अमंग द गिवन कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो है सार्क, फ्रॉग, एलिगेटर और रैबिट, ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बोल रहा है? इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, सार्क ऑफ फ्रॉग, एलिगेटर और रैबिट का। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू गॉटायर, आयोडीन की डेफिशिएंसी गॉटायर कहलाती है, ठीक है, उससे गॉटायर हो सकता है, घेंगा जिसे बोलते हैं। द कलर चेंज इन द चेमिलॉन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर, चेमिलॉन में जो कलर चेंज होता है क्रोमेटोफोर, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, एक चीज़ याद रखना। ऑफ विच अमंग द गिवन मे द लाइफ स्पेन एक्सटेंडेड अप टू 140 ईयर्स, पैरॉट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज सेग्निवोरस, वो है मॉस्किटो, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मॉस्किटो यानी कि मच्छर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन, द लाइफ स्पान ऑफ RBC ऑफ मैन, अगर मैन की बात करें तो वैसे 120 डेज होती हैं, मैन की बात करें तो वो 150 डेज। द प्रोसेस ऑफ फ्रूट फॉर्मिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज पार्थिनोकैरेपी, ठीक है, अगर देखिए बिना फर्टिलाइजेशन के भी फल आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को कहेंगे पार्थिनोकार्पी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंथ्रोफाइटा आर द, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फूल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द यूनिसेलुलर एल्गी यूज टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस प्रोग्राम आर कॉल्ड आर कॉलेरा, ऐसे यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो रेगुलेट करते हैं ऑक्सीजन स्पेस प्रोग्राम में, तो वो हैं कॉलेरा, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, 200 क्वेश्चन, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम तीन चार दस या बार जो सीरीज 200 क्वेश्चन की लाने वाले हैं, तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, कॉम्पिटेटिव, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है, थैंक यू।